तो आज हम बात करेंगे आमिर खान के बेटे की आने वाली मूवीज की। आमिर खान की बहुत सारी बातें कर ली हैं। आमिर खान जो है 35 साल से बॉलीवुड में राज भी कर रहे हैं, अब आमिर खान के बेटे की बारी, क्योंकि आमिर खान के जो बेटे हैं वो अब लॉन्च होने वाले हैं। आपको पता है कि आमिर खान की बेटे की बहुत सारी मूवीज आने वाली है, एक साथ एक टाइम पे वो शूटिंग कर रहे हैं। और आमिर खान जो है वो सिंपलिसिटी के लिए ट्रेडमार्क है। आमिर खान सिंपलिसिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं कि आमिर खान से 10 गुना ज्यादा उनके बेटे सिंपल हैं। अगर उनकी बात करें तो थोड़े दिनों पहले ही वो मड आइलैंड पे दिखे थे और चप्पल में ऑटो में आए थे, एक बैग लेके, किसी भी सुपरस्टार के बेटे नजर नहीं आ रहे थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। तो इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि आमिर खान के बेटे कितने ज्यादा सिंपल हैं। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये बहुत बार ऐसे दिख चुके हैं और मैं खुद इनसे पर्सनली मिला हूं। ये इस तरीके के इंसान है कि ये चप्पल में, ऑटो में, जींस टी शर्ट पहन के भाई सबसे मिलते हुए जाते हैं ऑटो में। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो आमिर खान के बेटे हैं, इतने बड़े सुपरस्टार, उनके पास गाड़ी की कमी नहीं होगी। बट तब भी ये जो है अध्यात्म की तरफ है, थोड़े सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बोलूंगा मैं कि आमिर खान तो सिंपल है बट इनसे और भी ज्यादा सिंपल ये है। और इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनकी आने वाली मूवीज की बात हो रही है। इनकी आने वाली मूवीज हैं टोटल 3 और 3 मूवीज में ये लॉन्च होने वाले हैं। पहली फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की महाराज, जिसमें ये नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म बन चुकी है, ये फिल्म पहले ही बन चुकी है। और आमिर खान के बेटे जो है लॉन्च होने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे। महाराज फिल्म के जो थोड़े बहुत प्रोमो है वो दिख चुके हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो डाला था कि 2024 में बहुत सारी मूवीज आएंगी। तो उस ट्रेलर में जो है आमिर खान की बेटी की फिल्म महाराज की भी प्रोमो थे और आमिर खान की बेटी का थोड़ा लुक भी दिखाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो जुनैद खान है वो अपनी पर्सनैलिटी अलग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या वो हमेशा आमिर खान के बेटे कहलाते रह जाएंगे? क्योंकि इससे पहले जो एक एक्टर आए थे आमिर खान के भांजे थे इमरान खान, उन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया था बट एक टाइम पे वो फ्लॉप हो गए। और आमिर खान ने भी उनको 2 मौके दिए, तीसरा मौका आमिर खान ने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि जो नेपोटिज्म का दाग है वो लगता रहता है एक्टर्स पे। और आमिर खान ने उन्हें 2 मौके दिए, दोनों फिल्म हिट हुई बट वो अपने दम पे अपना नाम नहीं बना पाए। बट इमरान खान इतने पॉपुलर एक्टर हैं कि अगर आज भी वो बाउंस बैक करें तो जैसे बॉबी देओल ने बाउंस बैक किया वैसे वो बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिल्म कुछ चली कुछ नहीं चली बट पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी ले ली थी इमरान खान ने। वैसे ही जुनैद खान के दिन आ गए। जुनैद खान जो है 30 साल के हो चुके हैं, उनकी पहली फिल्म जो है इस साल महाराज आने वाली नेटफ्लिक्स पे। पहले ये ओटीटी पे डेब्यू करेंगे, उसके बाद इनकी एक और फिल्म शूट हो रही है जो कि साई पल्लवी के साथ बन रही है जापान में। जापान में 40 दिन का ये शूट करके आ चुके हैं। ये भी रोमांटिक फिल्म है, इसका नाम है एक दिन फिल्म का नाम है। और ये फिल्म जो है आने वाली जल्दी नेक्स्ट ईयर 2024 में, शायद वैलेंटाइन डे वीक पे आएगी। और आमिर खान ने कहा है कि इसके गाने बहुत ही बेहतरीन है। एक दिन फिल्म जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें आमिर खान के बेटे जो है फर्स्ट टाइम बिग स्क्रीन पे डेब्यू करने वाले हैं। और साई पल्लवी भी तो बहुत फेमस एक्ट्रेस है साउथ में। इन दोनों की जोड़ी किस तरीके की होगी ये देखने वाली बात होगी। और ये अपने पिताजी आमिर खान को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे एक्टिंग के मामले में, दिखने में ये 6 फुट 4 इंच के हैं, आमिर खान से बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि आमिर खान 5 फुट 6 या 7 इंच के हैं और आमिर खान के बेटे 6 फुट 4 इंच के हैं। तो ऐसे बहुत कम एक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन हो गए, जॉन अब्राहम हो गए और आमिर खान के बेटे जुनैद खान हो गए। ये 3-4 एक्टर हैं जो 6 फुट 3 इंच 4 इंच के हैं। आमिर खान के नक्शे कदमों पर चलते हैं, अपने तरीके का कुछ निकालते हैं, क्योंकि अगर अपने तरीके का कुछ करेंगे तभी बॉलीवुड में टिक पाएंगे। क्योंकि इमरान खान जो है वो हमेशा आमिर खान को कॉपी करने की कोशिश करते थे, इसलिए उनका करियर जो है उस तरीके से नहीं उठ पाया। उसके बाद एक और फिल्म जो है आमिर खान के बेटे की आ रही है, जिसमें जानवी कपूर की बहन, छोटी बहन खुशी कपूर, जो कि अभी द आर्चीज में दिखी थी, उनके साथ आमिर खान के बेटे दिखने वाले हैं। और खुशी कपूर और जुनैद खान की जो जोड़ी है लव टुडे मूवी में दिखने वाली, मूवी जो है साउथ की मूवी है, उसका रीमेक करने वाले हैं। जुनैद खान और खुशी कपूर साथ में दिखने वाले हैं बट खुशी कपूर का ये डेब्यू नहीं है, क्योंकि खुशी कपूर पहले आर्चीज में भी दिख चुकी हैं और इससे पहले नादानिया में सैफ अली खान के बेटे जो हैं उनके साथ में दिखेंगे। सैफ अली खान के बेटे भी लॉन्च होने वाले हैं खुशी कपूर के साथ, और खुशी कपूर और सैफ अली खान के बेटे साथ में दिखेंगे। बॉलीवुड में जो स्टार्स के बच्चे वो हल्के हल्के आ रहे हैं, क्योंकि अभी सुहाना खान थी वो भी नजर आई थी द आर्चीज में, खुशी कपूर भी नजर आई, आमिर खान के बेटे भी आ गए हैं, सैफ अली खान के बेटे भी आ रहे हैं और शाहरुख खान के बेटे भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि वो एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिशन होने वाला है आमिर खान के बेटे जुनैद खान, आर्यन खान और सैफ अली खान के नवाब अली खान के बीच में होने वाला है। भाई आगे बहुत कॉम्पिटिशन है, तीनों नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है बट इनमें से बेटर एक्टर कौन निकलता है? अगर आप किसी बड़े बाप की औलाद हो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको कोई नहीं टोकेगा। जैसे रणवीर कपूर, आमिर खान, शाहिद कपूर, ये सारे अच्छे एक्टर हैं बट ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स के बेटे हैं, तो लोग इन्हें ताना नहीं मार पाते क्योंकि ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको लोग ताना मारते हैं क्योंकि वो है तो बड़े बाप की औलाद बट उस तरीके के एक्टर नहीं है, इसलिए उन्हें गालियां खानी पड़ती हैं। देखते हैं कि जुनैद खान, नवाब अली खान या आर्यन खान या सुहाना खान या खुशी कपूर, इनमें से कौन से ऐसे एक्टर हैं जो आगे चलेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। आमिर खान के बेटे लॉन्च होने वाले हैं, खुशी कपूर लॉन्च हो चुकी है, नवाब अली खान भी इस साल लॉन्च होने वाले हैं।
सुहाना खान भी लॉन्च हो चुकी है और शाहरुख खान के साथ उनकी अगली फिल्म आ रही है जिसका नाम है किंग। तो शाहरुख खान और सुहाना खान एक साथ दिखने वाले हैं और सैफ अली खान की जो बेटी है सारा अली खान, वो तो पहले से फेमस है, आप देखते हैं उनके बेटे उस तरीके का कमाल कर पाते हैं या नहीं। तो बहुत से ऐसे स्टार किड्स आए जो बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी तो ले गए बट एज एन एक्टर नाम नहीं कमा पाए। अब ये आने वाले जो स्टार किड्स हैं ये देखते हैं कि ये किस तरीके का नाम कमाते हैं, किस तरीके की फिल्म करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 35-40 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। अब ये जो नए यंगस्टर आ रहे हैं जैसे कि राजकुमार राव हो गए, कार्तिक आर्यन हो गए, ये सारे एक्टर्स अब रूल करने वाले आने वाले टाइम में। तो अब स्टार किड्स वर्सेस आउटसाइडर भी होने वाला है बॉलीवुड में कुछ टाइम में, बस 5-10 साल की बात है और जो नए एक्टर्स हैं ये बॉलीवुड में राज करेंगे। देखते हैं कि कौन सा ऐसा पुराना एक्टर है जो उस टाइम पर उनके साथ चलता जाएगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन से एक्टर के बेटे या बेटी का आपको इंतजार है, नवाब अली खान, जुनैद खान, आर्यन खान, खुशी कपूर, सुहाना खान, कौन से ऐसे स्टार किड्स हैं जिसको आप देखना चाहते हैं। मैं तो भाई जुनैद खान को देखना चाहता हूं क्योंकि जुनैद खान जो है आमिर खान के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। इस तरीके के एक्टर बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि आमिर खान इतने बड़े सुपरस्टार हैं बट सिंपल रहते हैं, अपने सुपरस्टार होने का फायदा नहीं उठाते हैं, उनके बेटे भी अपने पिता के सुपरस्टार होने का फायदा नहीं उठा रहे जुनैद खान। बाकी जो आर्यन खान है वो ड्रग केस में फंस गए थे और सुहाना खान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होना पड़ा था आर्चिस की वजह से और खुशी कपूर को भी ज्यादा तारीफ नहीं मिली है और इब्राहिम अली खान ने तो अभी कुछ करके दिखाया नहीं है। तो देखते हैं कि भाई जुनैद खान और आर्यन खान पे बहुत ज्यादा नजरें हैं क्योंकि आर्यन खान जो है वो डायरेक्टर बन के आ रहे हैं और आमिर खान के बेटे जुनैद खान जो है वो एक्टर बन के आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये सारे एक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं और कौन ऐसा एक्टर होगा जो इन सब में सबसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको ऐसी न्यूज देखनी है तो मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यूज देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।